आई जॉइन बाय सीएलपी लीडर मिस्टर बाला साहब थोरात। लेट्स गो क्वेश्चन सर। सबसे अहम सवाल यह है कि अब कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, कांग्रेस किस प्रकार से ये जो एनसीपी में स्प्लिट हुआ है उसको देखती है। कांग्रेस की रणनीति तो ये है कि हम तो काम करते आपके जो राज्य घटना है उसके मुताबिक काम करते हैं। हमारा तत्वज्ञान भी राज्य घटना का तत्वज्ञान है, वैसे आपकी जो प्रजातंत्र है उसके लिए काम करने वाले हमें, और आगे जाके भी प्रजातंत्र के लिए और आपकी राज्य घटना के लिए हम काम करने वाले हैं, तो आगे करते रहेंगे। महाविकास आघाड़ी बन के बीजेपी का विरोध करना ये भी हमारी तो काम की जिम्मेदारी है, वो भी निभाएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व जो है वो उद्धव ठाकरे कर रहे थे, और उसका कारण ये था कि उनके पास संख्या बल था, वो सीएम थे। उसके बाद हमने देखा कि उनके पार्टी में दरार आई, फिर कहीं ना कहीं एनसीपी जो है वो महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा घटक पक्ष बना था क्योंकि उनके पास संख्या बल था। अब एनसीपी में भी दरार आई है, तो ऐसे में कांग्रेस की भूमिका है जो वो अहम हो जाती है। क्या चैलेंजेस कांग्रेस देखती है सामने, और क्या बेसिकली कांग्रेस का आगे का एक प्लान रहेगा महाविकास आघाड़ी को लीड करने के लिए? नहीं नहीं कांग्रेस के तो अभी हमारी संख्या बल है वो सबसे ज़्यादा तो हमारा रहेगा महाविकास आघाड़ी में भी, तो विपक्ष का नेता तो कांग्रेस को ही मिलेगा, उसमें कोई सवाल अलग हो नहीं सकता। और हम अभी पूरे महाराष्ट्र में ये काम करने वाले महाविकास आघाड़ी बन के या कांग्रेस बन के, और बीजेपी का और ये सरकार, नया सरकार अभी तो और नया बन गया है, जो शिंदे सरकार था फडणवीस का था उसमें अजित पवार जाके मिले हैं, इसके बारे में लोगों में जो राय बन रही है वो तो उनके अगेंस्ट बन रही है, उनके विरोध में बन रही है, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं ये सरकार बनी है। तो हम जो लोग भावनाएं उनके साथ है उनको साथ में, लोगों को साथ में लेकर हम महाविकास आघाड़ी हमारे सत्ता पर 2024 में जरूर आएगी ऐसा मुझे लगता है, और हमारा जो इलेक्शन पार्लियामेंट का होने वाला है उसमें भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर आपने लीडर ऑफ अपोजिशन की अभी बात की क्योंकि संख्या बल फिलहाल आपके पास है, लेकिन आपके मित्र पक्ष जो है एनसीपी जिनके पास ये पोजीशन थी या ये पोस्ट थी, उन्होंने जितेंद्र आव्हाड़ जो उनके एमएलए उनको फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट किया गया है, तो आपकी तरफ से मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कब ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस हो सकता है असेंबली स्पीकर को कि लीडर ऑफ अपोजिशन पे आप कब क्लेम करोगे? ऐसे क्या लीडर ऑफ अपोजिशन जो विपक्ष नेता थे वो चले गए तो वो सिर्फ गट नेता उनका गट का नेता बना सकते, वो लीडर ऑफ अपोजिशन का वो नहीं, कानूनी भी नहीं कर सकते। ये है कल हमारी सीएलपी की मीटिंग है कांग्रेस दल की, तो उसमें ये सब चर्चा हो जाएंगी। दिल्ली के हमारे प्रभारी जो है एचके पाटिल जी वो भी आ रहे हैं, दिल्ली के साथ भी हम बात करने वाले, दिल्ली हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, और उसके बाद हम क्लेम करेंगे हमारे विपक्ष नेता के लिए। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, कांग्रेस कितनी मजबूत है या कांग्रेस में भी फिलहाल कुछ चल रहा है ऐसा आपको लग रहा है, कितना मजबूत है कांग्रेस? कांग्रेस में कुछ भी चल नहीं रहा, कांग्रेस बिल्कुल इंटैक्ट है। हम मजबूती से साथ में एक दूसरे के लिए साथ में काम करने वाले हैं। हम तो पहले 19 में 44 थे, अब 45 हो गए, एक बढ़ गया हमारा, और साथ में काम कर रहे हैं, हमारे कोई दरार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे जाके सबसे ज्यादा नंबर कांग्रेस का रहेगा आत्मविश्वास हमें है। बिल्कुल। एक अलग सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में बातचीत जो चल रही थी वो महाराष्ट्र के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो शायद से बदल सकते, ऐसी बातचीत चल रही थी जिसकी वजह से शायद से हो सकता है कि कुछ कांग्रेस में भी भूचाल आ सकता है, ऐसी बातचीत चल रही थी, इसको लेके आप कैसे देखते हैं? नहीं ये तो मैंने मीडिया में सुना है, वैसा तो मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम चल रहा है, साथ में मिलके हम काम कर रहे हैं, जो कुछ आता है वो मीडिया में आता है, अभी स्थिति में तो एक्चुअल वैसा कुछ है ऐसा मुझे लगता नहीं। So that's what we heard from Mr. Balasaheb Thorat, who clearly said that soon Congress will be basically sticking, basically claiming that position on the of the leader of opposition. Also, he said that Congress is right now intact. All the MLAs are together.